कतर में 8 भारतीयों को दी गई फांसी के बाद अब केंद्र सरकार एक्शन में आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक बात से परिवार को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। दरअसल एस जयशंकर ने कतर में गिरफ्तार हुए 8 भारतीय नागरिकों के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज सुबह ही कतर में बंद 8 भारतीयों के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्हें बताया कि सरकार इस मामले को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है, हम उनके परिवारों की चिंता और दर्द साझा करते हैं। जयशंकर ने आगे लिखा कि हमने स्पष्ट किया है कि सरकार उन्हें छुड़ाने के लिए सब कुछ कर रही है, हम इस मामले में परिवारों से संपर्क में रहना जारी रखेंगे। कोर्ट हियरिंग इट वाज सपोज्ड टू हैव बीन ट्रांसक्राइब्ड एंड प्रोवाइडेड ऑन संडे, दिस मंडे वी व्हेन आई गेट बैक वी विल हैव अ लुक एट इट, बट यू हैव हर्ड द एमईए स्टेटमेंट ऑन दिस। एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट यू नो वी take up through the legal course and find relief for our personnel। सितंबर 2022 में कतर सरकार ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। कतर की तरफ से अब तक उन पर लगे आरोपों का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा हुआ है कि इन लोगों को जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया। कतर कोर्ट के इस फैसले पर भारत ने नाराजगी जताते हुए इसे गहरा झटका बताया था और मामले में सभी कानूनी तरीके आजमाने की बात कही थी। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि ये 8 पूर्व नौसैनिक कौन हैं। गिरफ्तार पूर्व नौसैनिक अधिकारियों की पहचान कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश हैं। ये सभी पूर्व अधिकारी कतर की डेहरा ग्लोबल नाम की कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाले हाईटेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। कंपनी में 75 भारतीय नागरिक कर्मचारी थे, इनमें से अधिकांश भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे।